ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है भगत दीयां खबरां दे विच। और इस सैगमेंट च गल करदे आं पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री ते अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर बादल होरां दी। पंजाब दे विच 2017 दीयां विधानसभा चोणां दे विच अकाली दल नूं मूंह दी खाणी पई है। इस वेले महज 117 दे विचों 14 सीटां दे उत्ते जिहड़ा उह अकाली दल दा कब्जा आ। 3 सीटां उहदी भाईवाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोल है। और इस सब तो बाद हुण जो इत्थों दे हालात ने पंजाब दे उहनां हालातां नूं देखदे हुए या फिर हरियाणे दे विच जदों तो इनैलो नाल गठजोड़ टुटा आ अकाली दल दा, उस तों बाद अकाली दल ने हरियाणे दे विच अपने पद्धर ते अपनी सियासत पखाउणी जिहड़ी है उह शुरू कर दित्ती है। कल बकायदा हरियाणा दे कुरुक्षेत्र दे विच पिपली च एक रैली कीती गई। इनू अकाली दल का चुनावी बिगुल कहा जा रहा है क्योंकि हरियाणे दे विच लोक सभा दीयां चोणां तों ऐन बाद चोणां होणियां ने और विधानसभा दीयां चोणां दे विच अकाली दल ने इस रैली दौरान ऐलान किया है कि 90 दीयां 90 विधानसभा सीटां दे उत्ते अकाली दल इस बार चोण मैदान दे विच नितरेगा। सुखबीर बादल होरां दे नाल बीबा हरसिमरत कौर बादल, भुंदड़ होरी, ढींसे ਹੋਰੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ अकाली दल नूं हुण लगदा है कि पंजाब दे विच उहदी सियासी दाल नहीं गलदी नज़र आउंदी ते उह हरियाणे वल वध रिहा है, या हरियाणे दे विच 90 दीयां 90 सीटां दे उत्ते चोण लड़न दा ऐलान करके किसे किस्म दा भारतीय जनता पार्टी दे नाल गठजोड़ बनाउण दी कोशिश सियासी दबाव पाउण दे लई रणनीति घड़ी जा रही है, या फिर कोई होर तरीके दे नाल हरियाणे की सियासत दे विच हुण अकाली दल अपना पैर जमाउण की कोशिश कर रहा है। पर हैरानी इस गल की भी है कि यह अकाली दल की चुनावी रैली सी और इस पहली चुनावी रैली दे विच ही अकाली दल नूं विरोध का सामना भी करना पिया। अकाली दल अमृतसर के बहुत सारे वर्कर ते जगदीप सिंह झिंडा होरां दे हमायती जिहड़े आ इस रैली दौरान जो सुखबीर बादल संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने खिलाफ नारेबाजी करते थे, कालियां झंडियां दिखाते नजर आए जिन्होंने कुछ एक गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरअसल जगदीश झिंडा होर ने इस रैली के पैरल एक रैली करने की प्रशासन तो इजाजत मंगी सी, पर प्रशासन ने यदि इजाजत नहीं दी, जिस तो बाद रोस प्रदर्शन जोड़ा वो होया। और जगदीश सिंह झिंडा होर का यह कहना है कि हुण तक तो अकाली दल ने हरियाणे के सिखा की कभी सार नहीं ली सी ते हुण पंजाब च दाल नहीं करदी देख के हरियाणे दे सिखां दा इन्हां नूं चेता आ गया। जिस तरह कल जी दो सवाल जिहड़े दो नुक्ते मैं उठाए आ कि भाजपा दे उत्ते भारी पैण की कोशिश कर रहा अकाली दल, या फिर पंजाब दे विचों उखड़दे पैरां नूं देखदिआं होइआं उत्थे नवीं जगह ते पैर जमाउण की कोशिश ये आरंभी जा रही है। ਜਸਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕੇਡਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦਿਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਥਾਰਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
पहली गल तो तुम देखोगे कि रैली बहुत कामयाब की उन्होंने भरमी रैली सी। मैं असी किसी पार्टी बिलोंग नहीं करते बट जो इकट्ठ सी वो दसदा सी कि उन्होंने हरियाणे च अपना थोड़ा जा आधार बना लिया जी। हुण उस रैली दा ते ए ऐलान करन दा भाव की आ कि असी 90 दी 90 सीटां दे उत्ते विधानसभा लड़ांगे हरियाणे दे विच, जबकि इस लैवल दा अजे प्रभाव नहीं है उत्ते, आधार नहीं है उन्हां दा। कुछ एक दो चार पाँच दस सीटां ते हो सकदा काफ़ी अच्छे मार्जन नालों वोटां लै जाण, जित अजे भी मैनू नहीं नज़र आ रही जे मैं सारा उहदा एनालिसिस करां। हुण संकट यह है कि तुसी पिछले कुछ साल डेढ़ साल दो साल का एक प्रैशर देखते हैं तुसी, जिहड़ा बीजेपी केंद्र वालों अकाली दल ते बनता नज़र आता, तुहानू दिखदा आ कि किसी कोई एक प्रभाव पाया जा रहा है जिहदे नाल बार बार अकाली दल थोड़ा छटपटा रहा है। मीन राजसभा दे विच मैंबर ने इन्हां दे सांसद अपने नरेश गुजराल हो रही आते हैं 8 महीने पहले की गल है, 7-8 महीने पहले की, और वह आ के प्रेस में बहुत सख्त बयान देंगे ने कि भाई बीजेपी ने जे NDA दे भाईवाल पार्टियां इदा ही दबा के रखिया, दूर रखिया, नेड़े नहीं आने दिता सरकारां दे, उन्होंने काम नहीं होए, उन्होंने नाराजगी सहेड़ रही आ, तो आने वाली 2019 वाली चोण दे विच उन्होंने इस नाराजगी नाराजगी झलनी पै सकती है और जी बीजेपी वास्ते यह मुश्किल पैदा करे खड़ी कर सकती है। यदा मतलब कितने ना कितने कोई प्रैशर है अकाली दल से कि नरेश गुजराल होर एडा वड्डा बयान देना पै जांदा। फिर सैकंड जिस वेले उप चेयरमैन की चोण होनी है राज्यसभा दे विच तां पहला खड़ा कर दिता जाता है कि साडा अकाली दल का नरेश गुजराल हो रही जिहड़े आ वो बनणगे, बट फिर मीटिंग हुंदी है अमित शाह होर नाल सुखबीर बादल होर दी और 5 मिंटां बाद आण के वो जिहड़े पहला अखां दिखाउंदे सीगे वो पलकां बिछा दिंदे ने, फिर हरवंश होर नाल बना दिता जांदा आ। सो इसे तरह ही जो खबरां ने जां कनसूआं ने जां पार्टी दे सूत्रां तों जिवें पता लग रहा है कि बीजेपी अकाली दल दे उत्ते इस गल दा प्रैशर बना रही है कि 2019 दियां चोणां दे विच बीजेपी वध सीटां ते चोण लड़ेगी, लगभग 50% ते, मतलब 6-7 नहीं तो 6 ते जरूर चोण लड़ेगी पंजाब तों, लोक सभा तों। सो वो उस प्रैशर नूं घट कराउण वास्ते अकाली दल जिहड़ा है वह हरियाणे दे विच अपना एक प्रैशर दिखाएगा ताकि जे उन्हां नूं ये लगेगा कि उत्थे सानूं सैटबैक लग सकदी आ अकाली दल दे आउण नाल, कांग्रेस का कुछ प्रभाव बन सकता आ, क्योंकि नैचुरली आ कि जिहड़ियां इन्हां दीआं वोटां ने वो बीजेपी दीआं ही ने, और जे वो अकाली दल नूं कन्वर्ट हो जांदीआं ने अकाली दल जित्तण दे आसार नहीं हैगे उहदे, पर वो वोटां दी परसेंटेज दे विच काफ़ी भाग जे घटा जांदा बीजेपी दा तां उहनां दी बिगड़ सकदी है, खेड बिगड़ सकदी आ। सो मैनूं लगदा वो एक प्रैशर बिल्ड करन वास्ते बीजेपी दे उत्ते ये खेड जिहड़ी पोलीटिकल खेड जिहड़ी आ चल रही आ ताकि पंजाब दे विच जिहड़ा है वो अपना वर्चस्व जिहड़ा आ वो बना के रखण, क्योंकि सैकंड होर भी आ जसवीर मैनूं लग ही रहा आ कि बीजेपी दे विच ये भी सुख बगाहट आ नॉट ओनली इन स्टेट लैवल बल्कि नैशनल लैवल के उत्ते भी कि बीजेपी हुण पंजाब दे विच अकाली दल नाल समझौता करके नहीं लड़ना चाहिए, अपनी बखरी पछाण लड़ाई इंडिविजुअली रह के इकल्लियां लड़ के बनाउणी चाहिए है, सीटां जितिए चाहे ना जितिए। सो मैनूं लगदा उहदे खौफ विचों रौला प्यास बीजेपी अलहदगी बना लेनी चाहिए है पार्टी के नालों। इतने कुछ सीटा के जिम्मे क्या कि बीजेपी सीटा भालती पई है पंजाब के दस देना बनता है कि अमृतसर वाली सीट जी लुधियाने शिफ्ट हो चुकी है अकाली दल की भाजपा की, और अमृतसर के हम अकाली दल चोण जो लड़ेगा तो लुधियाने तो जो बीजेपी के पक्ष के कर दिता गया, और अमृतसर की सीट तो विक्रम मजीठिया या फिर मनजिंदर सिरसा होर का जो नाम इस वे चर्चा च आता पाया कि शायद 2019 दी लोक सभा चोणों के इन दोनों के एक टिकट जी दी जा सकती है, पर जिहड़ा अमृतसर का रौं कुछ होर तरीके का है। इत्थे तां अरुण जेतली होरां नूं थोड़ा जिहा झटका दे के वापस पंजाबियों ने मोड़ दिता सीगा,
तो जी के उड़ी इतने आते हैं तो उन्होंने पक्ष के किन्ना क्योंकि एडा कद जिडा अरुण जेटली का सीडा कद जी के उड़ा का नहीं है। हाँ सिख चेहरा आदा थोड़ा बहुत फायदा उत्तर जरूर हो सकता। तो जे मजीठिया होर टिकट दी जाती है तो अकाली दल की होर एक विधानसभा की सीट घट जाएगी, इस गल की भी गरंटी है क्योंकि मजीठा के ठीक ठाक मार्जन के बिक्रम मजीठिया जीते से लाली मजीठिया फिर स्ट्रोंग हो जाएंगे। जिमनी चोणों के इस वे कांग्रेस मल मार रही है जो विधानसभा की जिमनी चोण होंगी ये शाहकोट एक वड्डा सबूत किया जा सकता है। अना जी तुहानू की लगता है कि इस समय अकाली दल की जिहड़ी रैली कुरुक्षेत्र दे विच होई है वो रैली जिहड़ा अकाली दल का भार वधा सकेगी बीजेपी की पांसक दे विच? जसवीर जिस तरह से इकट्ठ होया आ तुसीं ओह इकट्ठ नूं जे देखो तो ये बीजेपी लई सोचण की गलबात आ। हुण एक जे इहदियां होर पड़ताल की जाए भी वह इकट्ठ की हरियाणे दी है कि जां पंजाब तों वी उहनां दे वर्कर वड्डे पद्धर ते गए, ये वक्री एक खोज का विशा आ। पर जे इकट्ठ देखिए तो बीजेपी लई सोचण की गलबात हैगी है। और मैं काली जी नाले बिल्कुल सहमत हाँ भी वो एक उन्होंने इंप्रैशन जमाना आ, ये हुण बारगेनिंग है जसवीर बारगेनिंग। जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने आप दी नाल बारगेनिंग लई आप नूं एक्साइट ते करन लई जिस तरीके नाल बयान दिते ने, हालांकि राहुल गांधी सामने मन हुंदे ने सब कुछ गलबात चलती पी आ भी वड्डा जिहड़ा गठजोड़ बनना आ वो नाल मिलणगे, पर जिस तरीके नाल उन्होंने किया तो हुण जो जिहड़ी फीडबैक आ रही है भी आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ बिल्कुल गुठे लाइन लग गई है। ये सारी जसवीर सारी की एक रणनीति का हिस्सा सी और हुण इहो रणनीति जिहड़ी आ अकाली दल जिहड़ा वरत रहा आ। और जे असीं जे इन्हां अकाली दल और बीजेपी का पंजाब दे विच भी देख लीए 10 साल चाहे सरकार रही है तो जिहड़ा रवैया जिहड़ा रुख सेंटर दे विच बीजेपी का अकालिया नाल रहा आ जां दूजियां पार्टियां रहा, अकालिया ने उहो ही रवैया जिहड़ा आ उह बीजेपी नाल रख्या सी। बाई एंड लार्ज बीजेपी दे मंत्री विधायक भी अकाली दल तो खुश नहीं सी हैगे, ऑल इन ऑल तीन बंदे सन सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल और मजीठिया, ये तिना दे हाथ च ही सारा कुछ जां एक दो बंदा होर आपां करके बाकी इन्हां तिना ने ही सारा कुछ कीता सी। और बार बार जिहड़े बीजेपी जिहड़ी सी उह अपने हाईकमांड को जांदी सी भी साणू कुछ नहीं साडे को पल्ले कुछ नहीं साडे कल्ले कुछ नहीं, ईवन निक्के निक्के मुद्दे दे उपर भी अकाली दल जिहड़ा सी उह करदा सी दखल दिंदा सी। अनिल जोशी बिल्कुल अनिल जोशी का भरा अनिल जोशी बड़े वड्डे पद्धर ते जसवीर डिफरेंस सन और वह डिफरेंस जिहड़े ने वह अजे भी हैगे ने पंजाब की बीजेपी और अकाली दल दे विच अजे भी वह डिफरेंस हैगे ने। बहुत सारे बारी आपां देखिया भी जे बीजेपी कोई कमान फड़दा है कांग्रेस के खिलाफ तो अकालिए उत्थे उस भावना नाल नहीं आते, जे अकाली दल कोई करता है तो बीजेपी उस भावना नहीं आते, गठजोड़ के बहुत कुछ चंगा नहीं चल रहा। और इस चीज़ में जसवीर हुण क्योंकि सेंटर दे विच उन्हां दी सरकार आ और उन्हां कोल बहुत कुछ है आ इस वेले ताकत है आ बीजेपी कोल सेंटर दे विचों काफ़ी कुछ कई चीज़ां नूं अपने वल कर सकते हैं, इस करके वो जिहड़ी ताकत आ वो जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा शौरा आ उहनूं घटाउण लई और अपनी अहमियत दसण लई ये बड़ी वड्डी रैली सी। और मैनूं लगता भी बीजेपी नूं थोड़ा सोचना लई उन्हां चल भी पिया होगा बीजेपी हरियाणा दे विच इस वेले वो चल भी पिया होगा भी हुण इस चीज़ नूं किदां टैकल करना है। पर इस गल नूं बीजेपी भी चंगी तरह जानदी है कि हरियाणा दे विच अकाली दल दा प्रभाव किन्ना क्या असर किन्ना क्या पिछलियां चोणां दे विच किहो जिहे नतीजे आउंदे रहे जां हुण किहो जिहे नतीजे आउणगे इस गल नूं, क्योंकि बीजेपी की जिहड़ी चुनावी रणनीति आ इहदे विच कोई शक नहीं है कि माइक्रो ते मैक्रो दोनों पद्धरां दे उत्ते जाके बीजेपी हर तरीके नाल देखदी है ते उस तो बाद अपनियां सियासी खेडां खेडण दे वल जिहड़ी आ ओह अगे वधदी है। पर इत्थे वड्डी समस्या अकाली दल लई इह वी है देसराज काली जी कि एक पासे हरियाणे दे विच सुखबीर बादल नूं कालियां झंडियां दिखाईआं जांदियां ते इहनां दे मनजीत सिंह जी के न्यूयॉर्क जांदे ने ते उत्थे उहनां नूं विरोध दा सामना करना पैंदा, बड़ा वड्डा हंगामा हो गया उहनां दे फंक्शन दे विच, कुछ खालिस्तान पक्षी लोगों ने नारेबाजी भी की इन्हे खिलाफ अकाली दल बादल के खिलाफ काफ़ी हंगामा खेस सी। और मैं लगता अजे अजे एन आर आईज़ के वलों ज खासकर जोड़े गर्म ख्याली बैठे ने उत्थे उन्होंने समर्थन इन्हों अजे बिल्कुल अजे की मिलना ही नहीं है, और बल्कि उन्होंने तिखा विरोध जोड़ा देखोगे कि इन्हों सहना पेगा अकाली दल न और विरोध जोड़ा पंजाब विधानसभा लोकसभा के भावें
ना बहुता दखल देन, पर जिस वेले पंजाब विधानसभा की चोण होएगी तो वह बार बार चाहे वह आम आदमी पार्टी के थ्रू अपना सारा एजेंडा एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे, फेल हो गए नहीं कर पाए, पर यह नहीं है कि उन्होंने हंबले मारने छड़ देने हैं जां वो हार के बह जाएंगे। तुसी देखा होएगा 2020 रेफरेंडम 2020 के नाँ ते किस तरीके दे नाल इंग्लैंड दे विच जाके नहीं सफल होए, कोई गल नहीं तो उस तरीके दे नाल हुण जदों जी के होरी गए सीगे तो न्यूयॉर्क दे विच हुण ही वायरल हो रही है खबर उन्हां दी, बड़ी वड्डी सोशल मीडिया ते खबर तक खबर भी बन गई है हुण ते उह काफ़ी खबर जिहड़ी आ उह एक गर्मा गर्म खबर बनी हुई है और वो अकाली दल वास्ते वो भी चिंता वाली खबर है, कोई छोटी खबर नहीं है कोई, वह मतलब उन्हें तुम घटा के नहीं देख सकते क्योंकि NRIs का पंजाब की पॉलिटिक्स यस और पहला भी इन्हें मंत्री गए थे उन्होंने विरोधता हुई थी और अकाली दल के उस तो बाद आगुआ ने जाने की हिम्मत नहीं सी की, बिल्कुल बाहरले मुल्कां दे विच बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जीके होरां दी पॉलिटिक्स जिहड़ी पंजाब नाल बहुती नहीं जुड़ी हुई, दिल्ली नाल जुड़ी हुई है, इहदे बावजूद उन्हां दा जिहड़ा विरोध है ना जिहड़ा उहनूं घटा के नहीं देखिया जा सकता। और देखो जे क्योंकि NRIs ने प्रवासी ने पंजाब दे विच प्रवासियां दा बहुत दखल रहिंदा आ, खास करके जदों चोणां हुंदियां ने तां उह दखल जिहड़ा पहलां 20-30-40-50% हुंदा उह 100% तों वध दखल उहनां दा शुरू हो जांदा। और जिस वेले आम आदमी पार्टी चोणां जित्ती है लोक सभा दीआं उस वेले जिहड़ी इनवॉल्वमेंट सी प्रवासियां दी इन्नी ज़्यादा सी, वो इकनोमिक पक्ष तो भी इनवॉल्वमेंट सी, वो पोलीटिकल पक्ष तो भी, वो सोशल पक्ष तो भी, और वो इमोशनली भी जिस तरीके दे नाल मैसेज आउंदे सी अपने माँ बाप नूं उहनां दे, सो वो सारे का सारा जिहड़ा उहनां दी साइकोलॉजी आ उहनूं तुसीं छोटियां करके नहीं देख सकते, वो पंजाब दीआं चोणां नूं बहुत प्रभावित करदी। और उस साइकोलॉजी दे विच जे अकाली दल का विरोध आ तो अकाली और मैं थोनों पार्टी के अंदरले सूत्रां की गल दस दिना कि अकाली दल ने अपने प्रवासी सैल की जिम्मेवारी संभालनी है, किसी नूं कोई संभालने लई तैयार नहीं है, वो उस तरीके की माला कह रहे ने उत्थे। ये गल्लां उन्हां दी मीटिंग दे विच गल्लां हुंदियां कि भाई प्रवासियों नूं कौन सांभू, उन्हां लई चिंता का विशा बनिया होया जसवीर, और जे इस तरीके का विरोध है तो वही पार्टी है और यस प्रवासियों के लिए जो NRI सम्मेलन करवाया कर रही है, वही पार्टी है जिहदा हुण NRI जिहड़े प्रवासी जिहड़े ना विरोध कर रहे हैं। तुसी नुक्ते दे विच गल करदे आ